हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम प्रोबेबिलिटी के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में आया हुआ है। बट उस क्वेश्चन में एक फंडामेंटल एरर है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या एरर है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी की है 5/9, प्रॉबिलिटी ए बार यूनियन बी बार की है 13/27 और ए के होने की प्रॉबिलिटी है 11/18, तो ऑड्स क्या होंगे अगेंस्ट द इवेंट। पहली चीज़ तो क्या है, जब हम ऑड्स देखते हैं, ऑड्स अगेंस्ट एनी इवेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इवेंट की बात करें कि उसके होने के अगेंस्ट जो ऑड्स हैं वो है 17:11 और ये ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी है, मतलब क्या हुआ कि वो इवेंट नहीं होगी, इसके ऑड्स हैं 17 और उसके फेवर में यानी कि वो इवेंट होगी, इसके ऑड्स हैं 11। यानी कि इवेंट बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 11/17 अगेंस्ट और 11, जबकि वो इवेंट होगी तो 11/17 + 11। टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना बना, 28 का, तो 11/28 हमारे इवेंट के होने की प्रॉबिलिटी होगी और इवेंट नहीं होगी, जिसकी प्रॉबिलिटी को हम कहते हैं बी डैश, ये होगा 1 - PB, या फिर अगेंस्ट का, क्योंकि इस बार हम नहीं होने की बात कर रहे हैं तो 17 काम के इवेंट होंगे, 17 काम के इवेंट्स होंगे, ठीक है, और टोटल होगा 17 + 11 यानी कि 28, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 17/28। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो वही सेम काम हमको इस क्वेश्चन में भी करना है। पर सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/9 और ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जबकि ए हो प्लस प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 5/9 के बराबर है। और प्रोबेबिलिटी ए बार यूनियन बी बार, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी कि ए ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार यानी कि बी ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब यहां पे एक चीज जो थोड़ी प्रॉब्लम देगी वो है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर हम सेट थ्योरी के हिसाब से समझें तो ए बार हमारा क्या हुआ, अगर ये इवेंट ए के होने वाले केसेस हैं तो इसके बाहर का जो भी हमारा केस होंगे वो सारे के सारे ए बार वाले केसेस होंगे, यानी कि जबकि ए नहीं होगा तो ये सारे के सारे हमारे वो केसेस होंगे जबकि ए नहीं होगा, क्लियर है। फिर यही बात हम बी के लिए सोचते हैं, तो अगर ये हमारे काम के सारे केसेस हैं जबकि बी हो रहा है तो इसके बाहर के जितने केसेस हैं यानी कि ये सारे केसेस ये वो होंगे जबकि बी नहीं होगा। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार यानी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो जो भी ए और बी के बाहर का इवेंट्स है यानी कि जब ना ए होगा और ना ही बी होगा, ये सारे के सारे ए बार इंटरसेक्शन बी बार में कॉमन होंगे। क्या बात समझ में आती है, क्या बात क्लियर होती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार हमारा बराबर हो जाएगा 1 - PB यानी कि जब ए और बी में से कोई भी एक इवेंट होगा उसको हम 1 में से घटा देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार होगा 1 - PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार होगा 1 - PB और ये हो जाएगा हमारा -1 - PA/B। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 11/18 यानी 1 - 11/18 प्लस 1 - PB -1 + PA/B जो कि है 5/9 और ये बराबर है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार जो कि है 13/27। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई।
जिससे कि हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, यह है वन माइनस अलेवन बाई एटीन, यानी कि सेवन बाई एटीन प्लस फाइव बाई नाइन, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, सेवन बाई एटीन प्लस फाइव बाई नाइन यानी टेन बाई एटीन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ बी, और ये बराबर थर्टीन बाई ट्वेंटी सेवन के, ये आ गया सेवनटीन बाई एटीन। तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा सेवनटीन बाई एटीन माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी सेवन, एलसीएम आ जाएगा फिफ्टी फोर, यानी कि इक्यावन माइनस छब्बीस यानी कि पच्चीस बटे चौवन, यानी कि बी के होने की प्रॉबिलिटी हमारी आ गई ट्वेंटी फाइव अपॉन फिफ्टी फोर। इस बात का मतलब क्या हुआ, 25 अपॉन 54 अगर हमारी बी के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 25 ऐसे केसेस हैं जबकि बी इवेंट होगी, और चौवन में क्या है 25 प्लस 29 टोटल केसेस हैं 54, यानी कि 29 ऐसे केसेस हमारे होंगे जबकि बी नहीं होगा, बी के होने के अगेंस्ट वाले केसेस होंगे, और क्वेश्चन हमें ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी पूछ रहा है, यानी कि पहले अगेंस्ट वाले केसेस आएंगे और फिर फेवर वाले केसेस आएंगे। अगेंस्ट वाले केसेस 29 है, फेवर के 25 है, 29 इज टू 25 यानी 29 अपॉन 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन जब सॉल्व हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, फिर कहाँ पे गलती है इसमें? सॉल्व तो हो रहा है फॉर्मूला से, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और जिसने शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो उनको अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए यूनियन बी, यानी कि ए हो या बी हो, इसकी प्रॉबिलिटी हमें दी है 5/9। और ए के होने की प्रॉबिलिटी दी है हमें 11/18। अगर हम दोनों को कंपेरेबल वैल्यूज में लिखें, यानी कि दोनों का हर जो है डिनोमिनेटर उसको बराबर कर दें, तो ए यूनियन बी की प्रॉबिलिटी हो जाएगी 10/18, जबकि ए के अकेले होने की प्रोबेबिलिटी है 11/18। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी ए के होने की प्रोबेबिलिटी से कम आ रही है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सिर्फ ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमारी 11/18 है, तो जब ए या बी होगा, यानी कि ए के होने के साथ साथ जब सिर्फ बी होगा, हम उसको उस प्रोबेबिलिटी को भी ऐड ऑन करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू हमारी बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि बी के होने की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती। हम ये जानते हैं किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी इज नेवर लेस देन 0। और इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बी के होने की प्रोबेबिलिटी निगेटिव आएगी, इसीलिए तभी सिर्फ और सिर्फ उसी केस में ऐसा पॉसिबल है जबकि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जबकि ए हो उससे कम आए, और किसी भी इवेंट के होने की होने प्रोबेबिलिटी जो है निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए क्वेश्चन फंडामेंटली रॉन्ग है, सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करके हमने भी देख लिया, बट उसके बाद भी ये क्वेश्चन सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। एसएससी पे क्या करता है वो तो एसएससी पे डिपेंड करेगा, बट आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन को एसएससी को गलत क्वेश्चन ही कंसिडर करना चाहिए और इसमें सबको मार्क्स देने चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है, ये क्वेश्चन समझ में आया और क्यों गलत है ये भी समझ में आया है, तो आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा और बाकी सेशंस भी आप देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। सारा का सारा जो है सीजीएल में इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन मैं कल अपलोड करूंगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।